Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, dear students? I'm here with you with the new class of business communication, and the topic of today's class is successful negotiation. It is a very small topic, and also it is a very important topic with the paper point of view. I repeat the topic name: successful negotiation. This topic will be discussed after. First of all, I will tell you that this lecture is not included in your short book, in BCom book. This topic is in H.A. Murphy book. And in this book, the seventh part of the book, which name is the job application process, it is the chapter number 19, the job application process, interviews and follow-ups. And the page number is 552. First of all, we will try to know that what is meant by negotiation. This is a follow-up process after the job interview. We have already studied what is job interview and what should be the procedures during the interview, and how should we follow up. We should have a follow-up of the interview. And if someone is offered, so negotiation means a discussion having offers and counter offers. Negotiation hai, ye basically job jab offer ki jati hai. Yani agar hum usi apne purane process ko zara continue kare. तो जॉब एप्लीकेशन के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, फिर सिलेक्टिव कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है, टेस्ट के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है. तो वो टेस्ट में क्वालिफाई करने वाले लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है. इंटरव्यू में क्वालिफाई जो कर जाए उसको फिर आप जॉब के लिए ऑफर करते हैं, तो तब सैलरी के लिए निगोशिएशन की जाती है. यानी जो इंटरव्यूअर होगा या जो एम्प्लॉयर होगा वो एक ऑफर करता है जॉब की, और इसके साथ सैलरी ऑफर करता है, और उस पर डिबेट की जाती है. बाज़ का तो वो एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली जाती है उसमें विदाउट एनी चेंजेस. आम तौर पर जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं वो विदाउट डिबेट्स एक्सपीरियंस गेन करने के लिए किसी भी सैलरी पर एक्सेप्ट कर लेते हैं किसी भी जॉब ऑफर को. लेकिन आम तौर पर अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं तो यूजुअली नेगोशिएशन की जाती है. और वो नेगोशिएशन कैसे सक्सेसफुल की जा सकती है, उसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना पड़ेगा, मतलब आप अपना बेनिफिट मैक्सिमम कैसे गेन कर सकते हैं, ये दोनों तरफ से है कि दोनों तरफ देखा जाए कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या ऑफर कर रही है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कितना मिनिमम पैकेज पे एक कैंडिडेट को मना ले, या अगर हम कैंडिडेट के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखें तो वो कितने मैक्सिमम बेनिफिट कंपनी से ले ले. तो इन दोनों की जो आपस में डिस्कशन है ये नेगोशिएशन कहलाएगी. नेगोशिएशन मीन्स गिव एंड टेक पॉलिसी. इट आल्सो इंक्लूड्स ऑफर्स and counter offers regarding job salary. So how to prepare for negotiation of the job offer? ये candidate के लिए है कि जब आपने एक job offer के लिए negotiation करनी है, जब आपने अपने employer के साथ बातचीत करनी है, तो कैसे prepare किया जाएगा, एक कैसे या कौन कौन सी चीज़ों को प्रिपेयर करना चाहिए. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि उसको इन्फॉर्मेशन हासिल करनी चाहिए मुख्तलिफ तरह की. उसको जॉब से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी. कंपनी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल करनी पड़ेगी. उसी तरह की पोजीशन, जिस पोजीशन के लिए आपको जॉब ऑफर की जा रही है, उस पोजीशन पर मार्केट में जो दूसरी कंपनीज मौजूद हैं वो क्या ऑफर कर रही हैं. फिर आपको अपनी नीड्स
को भी देखना पड़ता है कि क्या ये वाली जॉब ऑफर आपकी नीड्स को पूरा कर सकती है, पूरा कर रही है या नहीं। टाइम कंस्ट्रेंट्स भी देखी जाती हैं कि कितना टाइम ड्यूरेशन है इस जॉब का जो डेली बेसिस पर आपको देना पड़ेगा। लिमिटेशंस भी चेक करनी पड़ती हैं कि कितने अरसे के बाद आपके पास ऑप्शन होगी कि आप इसको क्विट करना चाहें तो अपनी आज़ादी से क्विट कर सकते हैं। और भी इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप एक जॉब ऑफ़र पर, जॉब जो सैलरी आपको ऑफ़र की जा रही है उस पर सेटिस्फाइड होंगे या फिर डिससेटिस्फाइड होंगे। तो जो इस तरह की चीज़ों से रिलेटेड, जैसे आपको अगर एक जॉब ऑफ़र की जा रही है फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केटिंग मैनेजर की, तो मार्केटिंग मैनेजर के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, कितनी सैलरी सूटेबल है, ये आपको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल सकती है। के लिए जैसे एक बंदे के जहन में हो सकता है जो मुझे 1,00,000 रुपया मिले, लेकिन मार्केट हो सकता है उसको 1,00,000 ऑफ़र ना कर रही हो, या अगर वो 1,00,000 सोच रहा है तो हो सकता है मार्केट में उसका रेट 2,00,000 रुपये तक हो। तो वो कितनी सैलरी जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगी, कितनी सैलरी बेस्ट कंसिडर की जा सकती है, एक्सेप्टेबल हो सकती है, इस चीज़ के लिए निगोशिएशन करनी है। और ये निगोशिएशन करने के लिए आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और वो इन्फॉर्मेशन आपको कहाँ से मिल सकती है, वो उसके हम डिफरेंट सोर्सेज पढ़ते हैं, सोर्सेज टू गेट इन्फॉर्मेशन। और एंड दीज सोर्सेज माइट इंक्लूड, नंबर वन फर्स्ट ऑफ ऑल इज एलुमनाई। एलुमनाई मीन्स द ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, योर इंस्टीट्यूशन, योर स्कूल, योर कॉलेज, योर यूनिवर्सिटी। अगर आप एक पर्टिकुलर स्कूल से एक क्वालिफिकेशन हासिल करके निकलते हैं, वो कि बिजनेस स्कूल है, तो आप बिजनेस स्कूल से ग्रेजुएट होने के बाद मार्केट में जब आते हैं तो डेफिनेटली उससे पहले भी कुछ बैजेस निकले हुए होंगे, वो एलुमनाई हैं। वो कहाँ कहाँ पर हैं, आप उस एलुमनाई को आमतौर पर जो पुराने स्टूडेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशंस का उनके साथ लिंक होता है, यूनिवर्सिटीज़ उनको अपने पास बुलाते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं, उनको अपने ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा बनाते हैं। तो आप उस एलुमनाई से दरियाफ्त कर सकते हैं कि वो लोग इस वक्त कहाँ पर हैं, क्या जॉब कर रहे हैं। उसी तरह की जॉब अगर आप करना चाहते हैं तो उनकी सैलरी के साथ अपनी सैलरी को आप कंपेयर कर सकते हैं, किसका कितना एक्सपीरियंस और वो कितनी सैलरी ले रहा है, जब उसने स्टार्ट की जॉब तब उसको क्या सैलरी ऑफ़र की गई। और उनसे इन्फॉर्मेशन ये भी ली जा सकती है कि अगर इस वक्त करंट ईयर में स्टार्ट की जाएगी जॉब, इस तरह की पर्टिकुलर जॉब, तो उसके लिए क्या सैलरी हो सकती है। तो उस वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है एलुमनाई से। ये एलुमनाई मीन्स द पास्ट स्टूडेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ योर इंस्टीट्यूशन, योर क्लासमेट्स, योर क्लास फेलोज एट्सेट्रा। The second one is placement reports. बहुत सारे institutions ऐसे होते हैं जो कि अपने employees का या अपने students का employment record पेश करते हैं और उसको पब्लिश भी कर देते हैं। प्रीवियस ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको, या प्रीवियस ईयर के जो डाटा है वहाँ से स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हासिल करने के बाद वो ये बता देते हैं कि इस हमारे इतने स्टूडेंट्स फ़लाँ इंडस्ट्री में जा चुके हैं। जैसे आपने ये देखा होगा किप्स वाले अपनी एड में ये अक्सर लिखते हैं कि हमारे इस साल या पिछले साल इतने स्टूडेंट्स के एडमिशन मेडिकल कॉलेजेस में हुआ, इतने स्टूडेंट्स का एडमिशन जिन्होंने ई कैट पास किया किप से, उनका एडमिशन जो है ना वो फलां जगह पर हुआ। तो वो प्लेसमेंट रिपोर्ट्स होती हैं और आगे उनकी डिटेल भी दी जा सकती है। अगर आप पब्लिश कर रहे हैं, अगर आप किसी जर्नल पर पब्लिश कर रहे हैं तो आप उनकी डिटेल भी दे सकते हैं कि फ़लां स्टूडेंट या फ़लां बंदा फ़लां जगह पर है और वहाँ पर इतनी सैलरी जो है ना वो हासिल कर रहा है, ये बंदा यहाँ पर है वहाँ से वो इतनी सैलरी जो है ना वो गेन कर रहा है एट्सेट्रा। तो वो भी एक ऐसी मददगार सोर्स हो सकता है जहाँ से आपको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। एंड द थर्ड वन इज़ योर ओन रिज्यूमे।
योर ओन बायोडाटा शीट, योर ओन सीवी, ये भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जिसके बुनियाद पर अपने आप अपनी सैलरी को डिटरमिन कर सकते हैं। यानी अगर आपकी क्वालिफिकेशंस में ग्रेड आपके बहुत अच्छे हैं तो फिर डेफिनेटली आप इस काबिल होंगे कि आप हायर सैलरीज डिमांड कर सकें, या आपकी सैलरी सॉरी आपके जो रिज्यूमे है उसमें इंस्टीट्यूशंस बहुत वैलिड हैं तो आप अच्छी सैलरीज डिमांड कर सकते हैं। आपकी रिज्यूमे में एक्सपीरियंस है, किसी वेल रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपीरियंस है तो आप अच्छी सैलरीज डिमांड कर सकते हैं। तो आपका रिज्यूमे भी डिफाइन करेगा कि आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये भी डिफाइन करता है। उसके बाद है नेशनल बिजनेस एम्प्लॉयमेंट वीकली। डिफरेंट टाइप के जर्नल्स हैं, डिफरेंट टाइप के मैगजीन्स हैं, जो बिजनेस मैगजीन हैं, बिजनेस जर्नल्स हैं, वो डिफरेंट टाइप की रिपोर्ट्स जो है ना वो वीकली बेसिस पर प्रेजेंट करते रहते हैं, और उसमें मुख्तलफ बिजनेस इंस्टीट्यूशंस का तारफ और उनकी हिस्ट्री, उनका प्रॉफिट और इस तरह की दूसरी इंफॉर्मेशन जो है ना वो फ्राहम करते रहते हैं। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जिस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अप्लाई किया है उसकी आपको उस बिजनेस वीकली से जो बिजनेस जर्नल होगा वहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी प्रॉफिट हिस्ट्री क्या है, इनकी अर्निंग कितनी है, और उसके अकॉर्डिंगली आप उनमें से उनसे कितनी सैलरी जो है ना वो डिमांड कर सकते हैं। तो ये है वो डिफरेंट सोर्सेज जिनके थ्रू आप आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अपनी जॉब से रिलेटेड निगोशिएशन करने के लिए। ये डिफरेंट चीज़ें, ये डिफरेंट सोर्सेज हैं जिससे आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब द नेक्स्ट वन इज़, ये एक छोटा सा टॉपिक है, एक बड़ा लेंथी टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। What are the basic issues in negotiating the job offer? Job offer में जब आप negotiate कर रहे होते हैं तो फिर कौन कौन से basic issues हैं जो आपको address करना पड़ते हैं या जिनके मतलब आपको देखना पड़ता है। तो सबसे पहला point है total compensation packages, कि आप अपनी services provide कर रहे हैं company को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको उसकी कंपनसेशन के तौर पर क्या पैकेज ऑफर किया जा रहा है। और ये जो कंपनसेशन पैकेज है ये इन टोटल आपने देखना है कि टोटल में वो कितना है। उसमें जस्ट फिक्स्ड सैलरीज को नहीं देखा जाता, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनको आप चेक करते हैं। तो हम इसको टोटल कंपनसेशन पैकेजेस को हम टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज कैश इश्यूज एंड द सेकंड वन इज फ्रिंज बेनिफिट्स। कैश इश्यूज मींस द टोटल अमाउंट ऑफ रुपीस यू रिसीव फ्रॉम अ जॉब, जो आप टोटल पैसे रिसीव करते हैं, जो टोटल कैश वसूल करते हैं, वो आपके पैसे जो है ना वो कौन कौन से हो सकते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको चंद एक चीज़ें जो है यहाँ पे बता देता हूँ कि वो कौन कौन सी चीज़ें कैश इश्यूज में हो सकती हैं, कौन कौन सी चीज़ें मतलब ये कैश के जो मामले हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे इसमें हम ये चीज़ शामिल कर सकते हैं कि स्टार्टिंग बेसिक पे एंड सैलरी रेंज ऑफ पोजीशन, कि आप बेसिक पे एंड सैलरी रेंज ऑफ पोजीशन, कि आपकी स्टार्टिंग बेसिक पे क्या होगी और ये जो सैलरी है इसकी रेंज क्या है, मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक ये वाली सैलरी जाएगी। ये सैलरी अगर आप फॉर एग्जांपल 50,000 से शुरू कर रहे हैं तो इसी पोजीशन पर रहते हुए आप मैक्सिमम कितनी सैलरी जो है ना वो हासिल कर सकते हैं, मतलब इसी पोजीशन पर रहते हुए ये 60 तक जाएगी, 70 तक जाएगी, 80 तक जाएगी, एक्सेट्रा, कहाँ तक ये वाली सैलरी जा सकती है। तो उसकी एक रेंज होती है, आपको उस रेंज का पता होना चाहिए, और बेसिक स्टार्ट कहाँ से हो रही है पे, वो स्टार्टिंग बेसिक पे का भी आपको पता होना चाहिए। तो ये बेसिक वाली पहली चीज़ जो है ना वो कैश जो आपको मिलना होता है वो स्टार्टिंग बेसिक पे होता है। इसके बाद डिफरेंट टाइप के बोनसेस हैं, मुख्तलिफ तरह के बोनसेस कंपनी ऑफर करती है। तो अगर कोई बोनस है, बोनस इफ एनी, अगर कोई बोनस है तो वो क्या है, कितना है और कैसे पे किया जाएगा।
जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो कि साल में 12 के बजाय 13 सैलरी देती हैं, एक सैलरी जो है ना वो एक्स्ट्रा दे देती हैं, या मुख्तलफ इवेंट्स पर आपको एक सैलरी जो है ना वो ज़्यादा दे दी जाती हैं, मुख्तलफ वर्किंग कंडीशंस में कुछ एक्स्ट्रा बोनसेस जो है ना वो दे दिए जाते हैं, आपकी परसेंटेज जो है ना वो जितनी सैलरी है उसकी हाफ परसेंट यानी उसका 50% जो है ना आपको बोनस के तौर पर दे दिया जाता है। तो क्या कोई बेनिफिट है, क्या कोई बोनस है, ये डिफरेंट टारगेट अचीव करने पर भी होता है या फिर वैसे भी कंपनी ऑफर मुख्तलिफ इवेंट्स की सूरत में कर सकती है, तो क्या कोई बोनस मिल रहा है और अगर मिल रहा है तो वो कैसे और किस कंडीशन में पे किया जाएगा। तो आप जब अपने कैश को चेक कर रहे होते हैं कि मुझे टोटल कितना कैश मिल रहा है, तो आप बेसिक सैलरी के अंदर टोटल पूरे साल की बेसिक सैलरी के अंदर इस तरह के बोनस को भी शामिल करते हैं और फिर उसके बेनिफिट को दूसरे चीज़ों के साथ कंपेयर करते हैं। इसके बाद है स्टॉक ऑप्शन। स्टॉक ऑप्शन चलिए इतने कर लेते हैं। कभी कभी कोई कंपनी आपको स्टॉक की भी ऑप्शन दे देती है, यानी वो ये कहती है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट में इतने परसेंट आपका शेयर होगा या इतने शेयर्स आपके होंगे। कुछ कंडीशन रखी जा सकती है, मतलब ये कहा जा सकता है कि आप हमसे सैलरी ना लें, आप हमसे प्रॉफिट ले लें, लेकिन ये स्टार्टिंग लोगों के लिए नहीं होता है, ये जो बड़ी एंड पर जाकर बाद में लोगों के लिए होता है। जैसे ये आपने कॉमनली आजकल ये वाली चीज़ सुनी होगी कि जो फिल्म एक्टर्स और फिल्म एक्ट्रेसेस होती हैं, ये लोग आजकल जो रिनाउंड हैं वो अपनी सैलरीज नहीं लेते, वो अपनी पेमेंट नहीं लेते, बल्कि वो प्रोड्यूसर के साथ एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो तय कर लेते हैं कि इतना जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 20% या 40% या 50% मेरा होगा, बाकी सारा आपका होगा। ये जो बड़े बड़े एक्टर्स एक्ट्रेसेस हैं बॉलीवुड में वो इसी तरह से आजकल कर रहे हैं, वो अपनी सैलरीज लेने के बजाय, अपनी रेम्यूनरेशन लेने के बजाय वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है ना वो रख लेते हैं कि प्रॉफिट जितना भी होगा उसका इतने परसेंट मेरा होगा। अब ये रिस्क है, एक तरह का थोड़ा हुआ तो तब भी उनका, ज़्यादा हुआ तो तब भी उनका, और आमतौर पर इसमें प्रॉफिट ही होता है। तो अगर कोई इस तरह की ऑप्शन ऑफर की जा रही है तो उसको भी मद्देनजर रख लेना चाहिए और ये चेक कर लेना चाहिए कि कैश में इसका भी बेनिफिट है और कितना बेनिफिट आपको इस चीज़ का मिल सकता है। उसके बाद है जी सैलरी रिव्यू शेड्यूल। कि सैलरी जो है ना वो कितनी देर बाद रिव्यू की जाएगी, उसका शेड्यूल क्या है, वो 6 मंथ के बाद भी हो सकती है, वो ईयरली भी हो सकती है, और ईयर में कब होगी और आमतौर पर कितने परसेंट जो है ना वो सैलरीज को रिवाइज़ किया जाता है, तो इसका जो शेड्यूल है वो भी देख लेना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें सैलरी जो मिल गई बस वही मिलती है, उसके बाद आगे कुछ मिलते ही को नहीं, उसमें इंक्रीमेंट्स लगते को नहीं। तो इंक्रीमेंट कब लगते हैं, कितनी देर पर लगते हैं, किन कंडीशंस पर लगते हैं और कौन सी ऐसी सिचुएशंस हैं जिनको गेन करने पर आपके इंक्रीमेंट्स ज़्यादा लग सकते हैं, तो इन तमाम चीज़ों का भी मद्देनज़र रखा जा सकता है। उसके बाद परसेंट ऑफ सैलरी मैच्ड बाय द फर्म। आपकी जो सैलरी है वो फर्म का कितने परसेंट है, यानी फर्म के टोटल सैलरीज का कितने परसेंट है, ये आप इस चीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। बास का उस फर्म की जिसमें आपने अप्लाई किया हुआ है उसके टोटल सैलरीज या टोटल प्रॉफिट ही थोड़ा होता है, तो वो उसकी परसेंटेज हो सकता है 50% आपको दे रहे हो फिर भी आपको वो कम लग रहा हो, लेकिन वो अपनी सैलरी का वो मैक्सिमम दे रहे हैं, तो ये वाले
इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी चेक कर ली जाती हैं। तो ये सारी टोटल उसके कैश इश्यूज़ में या कैश बेनिफिट्स में ये उसकी चीज़ें आ सकती हैं। सेकंड है फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है आपको कैश के अलावा मिलने वाले बेनिफिट्स। तो कैश के अलावा भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वो कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं? जस्ट लाइक वेकेशन पेमेंट्स, एंड लेंथ ऑफ पेमेंट्स, लेंथ ऑफ वेकेशन, कि आपने अगर छुट्टी की है तो उसके पैसे मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, और अगर छुट्टी की है तो कितनी छुट्टी आपको मिल सकती है साल के दौरान। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है वो कहते हैं जी हम पूरे साल में कोई छुट्टी नहीं दे सकते। कुछ ऐसी होती है जो कहते हैं जी हम आपको साल में 15 दिन की विद पे सैलरी देंगे। कुछ ये कहते हैं कि हम आपको महीने की सैलरी देंगे, महीने की जो है ना वो छुट्टी देंगे, सैलरी नहीं देंगे। तो मुख्तलिफ तरह की इस तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो भी चेक कर लिए जाते हैं। 15 दिन की छुट्टी मिलती है, अगर आप नहीं करते तो आपको 15 दिन की सैलरी मिल जाएगी। आपको महीने में दो छुट्टियां जो होना ऑफर की जा रही हैं, अगर आप छुट्टियां नहीं करते तो आपको उनकी पेमेंट मिल जाएगी। तो इस तरह की जो पेमेंट्स हैं वो ज़रा चेक कर ली जाती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है ना वो हो सकता है। इसके अलावा कार और ऑटो एक्सपेंसेस और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, बास का कुछ कंपनीज जो है ना वो कार ऑफ़र कर देती हैं, ऑटो ऑफ़र कर देती हैं, या फिर आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस ऑफ़र कर देती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप लोकल ट्रैवल करते हैं या अपनी गाड़ी पर ट्रैवल करते हैं तो उसके पेट्रोल में जो खर्च आएगा वो आपका खर्च बच जाएगा, वो आपको कंपनी ऑफ़र कर रही है। कंपनी कभी कंपनी पूरा ऑफ़र कर देती है, कभी कभी कंपनी वन साइडेड ऑफ़र करती है कि आपको पिक किया जाएगा, ड्रॉप आपको नहीं करेंगे, या आपको पिक एंड ड्रॉप दोनों ही चीज़ें दे दी जाती हैं, लेकिन आपसे एक थोड़ी सी अमाउंट जो है ना वो फिक्स्ड अमाउंट आपसे ले ली जाती है जो कि आपकी असल अमाउंट से काफ़ी कम होती है। तो इस तरह के भी एक्सपेंसेस देख लिए जाते हैं। बेसिकली वो भी फॉर एग्जांपल अगर आपका 5000 एक्सपेंस आता है पूरे महीने का किसी एक जगह पर आने जाने का अपनी जॉब की जगह पर, और कंपनी आपको ऑफ़र कर देती है कि हम आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो इसका मतलब वो 5000 आपका सेव हो रहा है जो कि आपने अपनी पॉकेट से लगाना था। तो बेसिकली वो भी आपके बेनिफिट में शामिल हो रहे हैं, जो आपके कैश में शामिल हो रहा है। आपका कैश जो कम होना था वो अब नहीं होगा, तो ये भी एक बेनिफिट होगा। इसी तरह से क्लब मेंबरशिप, मुख्तलिफ तरह के जो क्लब्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को उसकी मेंबरशिप ऑफर कर देती है, तो आप उस क्लब के मेंबर होने की हैसियत से डिफरेंट टाइप की फैसिलिटीज इंजॉय कर सकते हैं। इसी तरह से है हेल्थ केयर इश्यूज, मुख्तलिफ तरह की इंश्योरेंसेस प्रोवाइड की जाती हैं, वो लॉन्ग टर्म भी हो सकती हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकती हैं, डिसेबिलिटी हो सकती हैं, एक्सीडेंटल हो सकती हैं, डेंटल हो सकती हैं, और डेथ बेनिफिट्स हो सकते हैं, सिक लीव्स हो सकती हैं, और मुख्तलिफ तरह की इस तरह की ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि आपको हेल्थ के ख़राब होने की सूरत में, ये इसमें आपका अपना भी हो सकता है और आपकी फैमिली का भी हो सकता है, इंक्लूडिंग योर वाइफ एंड योर किड्स, और इंक्लूडिंग वाइफ डजंट मीन ओनली वाइफ, इट आई मीन्स टू से स्पाउस, इफ अ फीमेल इज डूइंग जॉब हिज हस्बैंड मे बी इंक्लूडेड इन द हेल्थ केयर इश्यूज एंड आल्सो हिज आल्सो हर चिल्ड्रंस एंड समटाइम्स पेरेंट्स आल्सो। तो हेल्थ केयर इश्यूज भी होते हैं, इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड कर दी जाती है। अगर आप वैसे ट्रीटमेंट करवाएं तो आपके एक्सपेंसेस आते हैं, लेकिन अगर आपको इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड की गई है तो आपके वो एक्सपेंसेस बच जाएंगे। तो इसका मतलब ये भी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है। तो इस चीज़ को भी चेक कर लिया जाएगा कि क्या इस तरह की कोई चीज़ ऑफ़र की जा रही है जॉब में या फिर नहीं ऑफ़र की जा रही। एंड द नेक्स्ट वन इज़ डिस्काउंट ऑन परचेजिंग। कंपनी प्रोडक्ट्स,
जिस कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं, अगर आप उसी कंपनी की के प्रोडक्ट, उसके बने हुए प्रोडक्ट्स, उसके मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स आप यूज़ करना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, तो आपको कितने परसेंट डिस्काउंट मिलेगी, और एम्प्लॉयज़ को डिस्काउंट क्यों ऑफ़र की जाती है कि फॉर एग्जांपल अगर आप एक फ़ैन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम कर रहे हैं, तो एक फ़ैन की कीमत मार्केट में 4000 है, आपको हो सकता है वो 3000 के मिले, तो आपका 1000 यहाँ से सेव हो सकता है, जो आप अपनी डेली बेसिस पर जो यूज़ करने की चीज़ें हैं उनमें आप बेनिफिट जो है ना वो ले सकते हैं। तो ये मैंने एग्जांपल दिया, इसी तरह से और भी बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हो सकती हैं। फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाती है, एक हमने जो पहली पढ़ी वो मेडिकल इंश्योरेंस थी, जो हेल्थ केयर इश्यूज़ में पड़ी, वो भी आपकी बीमार होने की सूरत में, एक्सीडेंट की सूरत में मिलेगी। लाइफ इंश्योरेंस वैसे होते हैं कि आप थोड़ी थोड़ी अमाउंट जो है ना वो ग्रुप इंश्योरेंस की सूरत में पे करते जाते हैं, और एंड पर आपको एक लमसम अमाउंट जो है ना काफ़ी ज़्यादा मकदार में ऑफ़र कर दी जाती है, जो दे दी जाती है। तो लाइफ इंश्योरेंस भी चेक की जाती है कि क्या लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पर है या नहीं है, अगर है तो आपको डेफिनेटली भी ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिल रहा है। इसके अलावा रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स, तो रिक्रिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी पर्सन। तो यहाँ पर क्या मोनोटोनस रूटीन तो नहीं है कि सारा दिन सुबह से लेकर सिर्फ काम 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 ही करते रहना और कोई दूसरी चीज़ यहाँ पर नहीं है, तो इस चीज़ को जहन में रखा जाता है, इस चीज़ को ये देखा जाता है कि क्या यहाँ पर कोई रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स हैं, कोई जैसे टूर्स होते हैं, जैसे एनुअल लंच होते हैं, जैसे एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं तो ये एक आपकी सेहत को अच्छा रखने के लिए, आपको रिफ़्रेश करने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, तो इस तरह की कॉस्ट को भी आप सैलरी में शामिल कर लेते हैं। तो ये है रिक्रिएशनल बेनिफिट्स, और ये हैं टोटल फ्रिंज बेनिफिट्स। जब आप अपना कंपनसेशन पैकेज देख रहे होंगे तो आपको इन तमाम चीज़ों को, जो दो तरह के इश्यूज़ हैं जिनमें एक कैश इश्यूज़ है कि आपको पैसे कितने मिल रहे हैं, आपको सैलरी कितनी मिल रही है, और दूसरा सैलरी के साथ जो दूसरे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इन दोनों चीज़ों का टोटल कंपैरिजन करने के बाद आप अपनी किसी सैलरी पर फिक्स कर सकते हैं। कभी कभार इस तरह से हो सकता है कि हो सकता है आपके जो सैलरी है वो थोड़ी हो लेकिन फ्रिंज बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हों, और कभी सैलरी बहुत ज़्यादा हो सकती है और उसके कंपैरेटिवली फ्रिंज बेनिफिट्स कम हो सकते हैं। तो आपको दोनों की कम्बिनेशन के साथ जो चीज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो आपको वो वाली एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। ये था हमारा पहला इशू जो हमने अभी पढ़ा, दैट व्हाट मे बी द बेसिक इश्यूज इन नेगोशिएटिंग द जॉब ऑफर। जॉब ऑफर को नेगोशिएट करते हुए कौन कौन से इश्यूज हो सकते हैं, उनमें से अभी हमने पहला पढ़ा जो था टोटल कंपनसेशन पैकेजेस। अब द सेकंड इज योर पोजीशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी पर्सनल पोजीशन क्या है, और आपकी पोजीशन कैसे डिसाइड होगी, वो मुख्तलिफ चीज़ों से डिसाइड की जा सकती है, जैसे एक्सटेंट ऑफ योर अथॉरिटी, आपको कितनी अथॉरिटी जा रही है, और नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, आप जिस स्टाफ को डील कर रहे हैं उसमें कितने मेंबर्स हैं। ये थोड़ा सा इशू कर रहा है योर स्टाफ, कितने लोग होंगे जिनको आपको डील करना होगा, और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, स्टेटमेंट ऑफ योर प्रिसाइज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको प्रिसाइजली डिफाइन करना पड़ेगा कि आपको कौन कौन से काम, किस किस तरह की जिम्मेदारी आपको जो है ना ऑफ़र की जाएगी, और आपका बॉस कौन होगा जिसको आपने रिपोर्ट करनी है, इंडिविजुअल टू होम you have to report,
आपका जो बजट है, जिस पोजीशन पर काम कर रहे हैं उसमें कितना बजट होगा, यानी कितने पैसे आपको ऑफर किए जाएंगे किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, और आपकी पोजीशन का टाइटल क्या होगा, यानी किस नेम के साथ आप काम करेंगे, टाइटल ऑफ योर पोजीशन। ये बेसिकली डेजिग्नेशन है कि आपका डेजिग्नेशन क्या होगा। तो डेजिग्नेशन नेम भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप एक काम करवा रहे हैं जो मर्जी, लेकिन अगर आपको मैनेजर का नाम दे दिया जाता है तो मेंटल सेटिस्फेक्शन वैसे बाज़कत इन्हीं चीज़ों से हो जाती है। तो आपकी पोजीशन क्या है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें ये वाली चीज़ें जो है ना आपको देखनी पड़ेंगी, ये वाली चीज़ें जो है ना वो आमतौर पर चेक की जाती हैं। उसके बाद द नेक्स्ट इज योर वर्किंग एनवायरनमेंट। जिस जगह पर आपने काम करना है वो उसमें एनवायरनमेंट कैसा है, तो ये मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो देखी जाती हैं। इस ज़िमन में भी वर्किंग एनवायरनमेंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका वर्किंग एनवायरनमेंट ठीक ना हो तो आपको चाहे जितने मर्जी बेनिफिट दिए जा रहे हो, काम नहीं किया जा सकता। तो अगर आपने काम ठीक करना है, अच्छे तरीके से काम करना है आप, तो आपका एनवायरनमेंट भी बेहतर होना चाहिए। और इसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि लोकेशन ऑफ जॉब, कि जहाँ पर काम करना है वो जॉब है किस जगह पर। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतनी दूर आ गया वहाँ पर आपका आना जाना ही मुश्किल है, या वहाँ पर जाकर आपका रहना ही बड़ा मुश्किल है। इसके अलावा एक्सपेंडिंग आवर्स मींस ड्यूटी आवर्स, क्या आपको कितनी देर तक काम करना पड़ेगा, क्या सुबह 8 से लेकर 4 बजे तक है, 9 से 5 बजे तक है, या स्टार्टिंग टाइम तो है 8 बजे, एंडिंग टाइम को नहीं, रात के 2 बजे बज सकते हैं। तो कभी इस तरह की अगर अनसर्टेन टाइमिंग हो तो आप उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते, चाहे जितने मर्जी आपको सैलरी ज़्यादा ऑफर कर दी जाए। तो ये वाली चीज़ भी चेक करनी पड़ती है कि आपके एनवायरनमेंट में आपकी टाइमिंग क्या है। इसके अलावा फैसिलिटीज़ आपको क्या दी जा रही हैं, आपको रिसोर्सेज क्या दिए जा रहे हैं, रिसोर्सेज ऑफर्ड और फैसिलिटीज प्रोवाइडेड। कि कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। जैसे फैसिलिटीज में यह है कि आपको काम करने के लिए एक अच्छा रूम दिया गया है, आपको कई एक असिस्टेंट दिया गया है जो कि आपको मुख्तलिफ तरह के कामों में असिस्ट कर रहा है, या आपको एक एयर कंडीशनड रूम दिया गया है, आपको घूमने फिरने के लिए एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाने के लिए आपको व्हीकल प्रोवाइड की गई है। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ भी चेक कर ली जाती हैं। इसके अलावा वर्क कल्चर चेक कर लिया जाता है कि यहाँ पर काम करने का तरीकाकार क्या है, अगर वो आपको सूट करे तो फिर आप उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज लैंग्वेज, यूज्ड इन बिजनेस, कि वहाँ पर लैंग्वेज कौन सी की यूज़ की जा रही है। इसके अलावा और भी डिफरेंट एथिकल इश्यूज हो सकते हैं कि वहाँ पर आपका बॉस का रिलेशन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह का है, वहाँ पर जो को वर्कर्स हैं उनका रिलेशन किस तरह का है, वहाँ पर आपके रिलीजियस जो सेंटिमेंट्स हैं वो सेफ हैं या नहीं हैं, इस तरह की चीज़ों को भी बास का जो होना वो देख लिया जाता है। अगर तो वो अनोइंग हो तो फिर डेफिनेटली आप उस चीज़ को 100% फॉलो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको बोली जॉब भी ऑफ़र एक्सेप्ट वो जॉब ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो मैंने यहाँ पर डिस्कस की, ये वर्किंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज़ योर बिगनिंग एंड एंडिंग वर्क बेनिफिट्स, अगर आप काम शुरू कर रहे हैं उस वक्त आपको क्या बेनिफिट है, और जब आप ख़त्म कर देंगे अपनी उस जॉब को तो वो क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हो रहा है इसमें देखनी पड़ेंगी कि कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें ख़ास तौर पर एक ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप शुरू कर रहे हैं तो आपने कब शुरू करना है, साल के बाद तो नहीं शुरू करना। आपको वो जॉब अगर अभी ऑफ़र की जा रही है तो आप सेम डेट से शुरू कर रहे हैं जॉब, तो ये एक इम्पॉर्टेंट
आपका बेनिफिट होगा। इसके अलावा एंडिंग बेनिफिट्स में हो सकता है कि जॉब के ख़त्म होने पर आपको क्या ऑफर किया जाएगा, ग्रेचुटी आपको ऑफर की जाएगी या नहीं, प्रोविडेंट फंड आपको ऑफर किया जाएगा जिसको हम आमतौर पर पेंशन कहते हैं, तो वो ग्रेचुटी या प्रोविडेंट फंड आपको ऑफर किया जाता है। एम्प्लॉयज ओल्ड एज बेनिफिट होते हैं तो वो ऑफर किए जा रहे हैं या नहीं ऑफर किए जा रहे, और कितनी देर तक आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो उसके बाद इन चीज़ों को अवेल कर सकते हैं। जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन ये कहते हैं कि हम आपको पेंशन भी देंगे, ग्रेचुटी भी देंगे, प्रोविडेंट फंड भी देंगे, लेकिन उसके लिए आपको इतने साल यहाँ पर काम करना आपका ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल 20 इयर्स आप काम करते हैं तो उसके बाद अगर आप छोड़ भी देंगे तो हम आपको ग्रेचुटी प्रोवाइड करेंगे। ये गवर्नमेंट में भी होता है, हमारे यहाँ पर गवर्नमेंट में प्राइवेट में दोनों सेक्टर्स में ये वाली चीज़ें चल रही हैं, और दोनों जगह से कहीं कहीं पर नहीं भी है, यानी कुछ ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट में भी नहीं है, कुछ ऐसी है जहाँ पर प्राइवेट में भी नहीं है, तो दोनों जगह पर ये वाली चीज़ें जो हैं वो मौजूद हैं। तो इसी तरह से रेगुलर पेंशन जो गवर्नमेंट की जॉब में एक बहुत बड़ा चार्म होता है वो ये कि आपको रेगुलर पेंशन मिलती रहती है काफ़ी अर्से बाद तक भी, जो आप जॉब ख़त्म कर लेते हैं उसके बाद भी। तो इस तरह के आप बिगनिंग और एंडिंग वर्क बेनिफिट्स चेक करते हैं। फिर कभी कभी बेनिफिट्स में ये भी चेक कर लिया जाता है कि मैं यहाँ पर ज़्यादा अर्सा काम नहीं करना चाहता, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं यहाँ पर 5 साल काम करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर 5 साल काम करने के बाद मुझे आगे बेनिफिट क्या हासिल हो रहा है, क्या इसका नाम इस कदर काबिल है, इस कदर है कि मैं आगे इससे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में इसका एक्सपीरियंस मेंशन करूं तो वो मुझे वैल्यू दें, इस तरह का जो बेनिफिट होगा वो भी अपने माइंड में रखा जाता है। तो ये थी डिफरेंट चीज़ें जो निगोशिएशन से रिलेटेड अपने माइंड में रखनी पड़ती हैं एक कैंडिडेट को। एक छोटा सा लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जिसका नाम था सक्सेसफुल बिजनेस निगोशिएशन। इसमें कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, पेपर्स की अच्छे तरीके से तैयारी करें, कोई कन्फ्यूजन हो तो कांटेक्ट करें। अल्लाह सबका हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।